हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट जावा स्क्रिप्ट सीरीज में, जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट को सीखने वाले हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल। ठीक है, तो इस वीडियो में जानने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। तो जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी सहायता से हम लोग अपने वेब पेज में कॉम्प्लेक्स फीचर को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि जैसे बटन क्लिक करने पे एक डायलॉग ओपन हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, तो ये सब सारी फंक्शनैलिटी वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होती है। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट पे मैं यहाँ पे एक आइटम पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक पेज खुल जाता है। तो ये सब सारी फंक्शनैलिटी है वो जावास्क्रिप्ट की सहायता से अचीव किया जाता है। तो यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में भी जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी वेबसाइट है वो जावास्क्रिप्ट का यूज करती है। तो यहाँ तक कि ये फिल्टर फंक्शनैलिटी है, इसमें भी जावास्क्रिप्ट का यूज किया जा रहा है। तो अगर हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी फीचर हमें इम्प्लीमेंट करना जावा वेब पेज के अंदर, तो हमें जावास्क्रिप्ट की नीड पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया। तो जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया ब्रैंडन हिग ने। तो 90s के जमाने में एक ब्राउजर हुआ करता था, नेटस्केप ब्राउजर। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी वेब पेज होते थे काफी स्टेटिक वेब पेज होते थे, जैसे विकिपीडिया के जैसे। तो नेटस्केप वालों ने एक डेवलपर हायर किया जिसका नाम था ब्रैंडन हिग, और उनको बताया कि भैया एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खोज करो जिससे अपने वेब पेज के अंदर फीचर को लाइक फंक्शनैलिटी यूजर ऐड कर सके। तो ब्रैंडन हिग ने 10 दिन में जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की खोज की। अब बात करते हैं इकमास्क्रिप्ट के बारे में। ये इकमास्क्रिप्ट क्या होता है? तो इकमास्क्रिप्ट एक जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड बनाता है। तो इकमास्क्रिप्ट एक जावास्क्रिप्ट है, जो कि इकमास्क्रिप्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर साल कुछ नए फीचर इंट्रोड्यूस करता है। तो आपको पता होगा ES5, ES6। तो ES6 में काफी लेट कॉन्स्ट आए, एरो फंक्शन आया और क्लासेस आए। तो ये सब फीचर इकमास्क्रिप्ट की तरफ से आए हैं जावास्क्रिप्ट में। अब हमारे मन में सवाल होता है कि हमें जावास्क्रिप्ट क्यों सीखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अपना यूट्यूब या फ्लिपकार्ट, अमेजोन, apple.com, जो भी दुनिया की बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, उस सब सारे वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, यहाँ तक कि अपने यूट्यूब में, फेसबुक में भी। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट की सहायता से हम लोग वेब एप्स बना सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट की सहायता से हम लोग नेटिव एप्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है, मैंने खोला रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव क्या है? रिएक्ट नेटिव एक जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है, जिसकी सहायता से हम लोग एंड्रॉयड एप्स और iOS एप्स बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट की सहायता से, मतलब रिएक्ट नेटिव्स की मदद से ही फ्लिपकार्ट बना है, फेसबुक बना है, डिस्कॉर्ड बना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख लेंगे तो आप वेब ऐप बना सकते हैं, फ्लिपकार्ट जैसे, अमेजोन जैसे, यूट्यूब जैसे, फेसबुक जैसे। और साथ ही साथ अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो आप रिएक्ट नेटिव लाइक iOS एप्स, मोबाइल एप्स बना सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है इलेक्ट्रॉन, जिसकी सहायता से आप डेस्कटॉप एप्स भी बना सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन एक लाइब्रेरी है जिसकी सहायता से आप डेस्कटॉप एप्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डेस्कटॉप एप्स में कौन कौन सा बना है। तो आपका जो VS कोड है वो भी अपना इसकी सहायता से, इलेक्ट्रॉन की सहायता से ही बना है। तो आपका VS कोड, स्लैक, सिग्नल, स्काइप, नोशन, फिगमा, ये सब सारे सॉफ्टवेयर ये इलेक्ट्रॉन की मदद से ही बने हैं। ठीक है, ये तो रहा हम लोग अब कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग सीख सकते हैं तब हम लोग वेब ऐप, मोबाइल एप्स, iOS एप्स, यहाँ तक कि डेस्कटॉप एप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज के जमाने में ChatGPT। ChatGPT काफी वायरल है। ChatGPT का जो फ्रंट एंड है वो रिएक्ट से बना है। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसकी सहायता से हम लोग फ्रंट एंड वेब ऐप बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चैट है, चैट जीपीटी, वो भी इसमें भी जावास्क्रिप्ट का यूज हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज के जमाने में जावास्क्रिप्ट का कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करने वाले कि जावास्क्रिप्ट को अपने मशीन के अंदर कैसे रन करें। थैंक यू।